हाँ तो भाई जल्दी हमें इंडियन मार्केट में IQ की तरफ से IQ Z7 Pro 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। IQ इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि 31 अगस्त इसकी लॉन्च डेट है। हालांकि इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस और प्राइस पॉइंट हमारे सामने आ चुकी है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस फोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो थोड़ी स्पेसिफिकेशंस पे चर्चा कर लीजिए। तो यहाँ पे 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz के साथ में एक क्वाड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सेंटर में पंच होल वाला नॉच देखने को मिलेगा। GR10 का सपोर्ट और Y1L1 सर्टिफाइड भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल भाई डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़िया होगी, शानदार होगी। बात करा के प्रोसेसर के बारे में, तो भाई प्रोसेसर के बारे यहाँ पे अच्छा होने वाला है। MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4 की रैम टाइप भी देखने को मिल जाएगी। और भाई ये ऑलरेडी हमें Vivo V27 5G में देखने को मिल चुका है। अच्छा प्रोसेसर है, हाँ भाई जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस हिसाब से और ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। हालांकि बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक में 64MP का डुअल कैमरा सेटअप, 64MP का मेन कैमरा जहाँ पे OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, और 2MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर। हालांकि भाई यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, और फ्रंट में यहाँ पर 16MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। बात करें बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पर 4600mAh की बैटरी और जो फोन है 66W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। और भाई देखिए IQ की तरफ से यार, तो भाई डब्बे में चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। UI की बात करें तो आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 और फंटर चोएस 13 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। हाँ कुछ एड्स और ब्लूटूथ रहेंगे जिसे आपको मैनुअली बंद या जरूर डिसेबल कर देना है। बात करेंगे सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट। हालांकि यहाँ पे कोई भी 3.5mm वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। बात करें बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो अच्छा है। हाँ देखिए जैसी IQ की डिजाइन लैंग्वेज होती है वही यहाँ पे फॉलो किया गया है। Vivo की डिजाइन लैंग्वेज को यहाँ पे थोड़ा कुछ कॉपी किया गया है। ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक है। कोई इसमें डिजाइन लैंग्वेज में कोई भी यहाँ पे मुझे तकलीफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट में हमें 31 अगस्त के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। देखिए इसकी जो प्राइसिंग अराउंड हमें अंडर 25,000 देखने को मिलेगा, ये 101% कन्फर्म है। अब हो सके तो भाई देखिए बैंक ऑफर लगा के हमें 23,000 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि 24,999 प्राइसिंग रखेंगे और उसमें बैंक डिस्काउंट 1,000-2,000 रुपये का लगा के 23,000 में आपको बता देंगे। और बात की जो बताइए कि जो प्राइसिंग यहाँ पे लीक उस हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। बल्कि जब ये फोन लॉन्च होगा तो उस टाइम में आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा कि फोन लेने लायक है या फिर नहीं है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।